Welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss suppository part 5. इन वी डिस्कस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड इट्स कैलकुलेशन, यानी कि जो सपोजिटरीज हैं जब अपन उसे बनाते हैं तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है यूजिंग अ मेडिकामेंट वो किस तरीके से निकालते हैं अपन इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती क्या है, तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस और द नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ द मेडिकामेंट दैट डिस्प्लेस वन पार्ट बाय वेट ऑफ बेस। यानी कि एक्चुअल में जो ड्रग जैसे ही अपन उस बेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो जो ड्रग है वो बेस को कितना डिस्प्लेस करती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर अपन बिना ड्रग के बेस बनाएं और 6 सपोजिटरीज बनी है तो उनका वजन है 6 ग्राम, बट जैसे ही अपन ड्रग डालते हैं तो उनका जो वेट है वो बढ़ जाता है। अब यानी कि जो डेंसिटी है ड्रग की उसने है जो कि बेस को डिस्प्लेस कर दिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर एक ड्रग का फिक्स होता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। इन दिस द वॉल्यूम ऑफ सपोजिटरीज फॉर्म अ पर्टिकुलर मोल्ड इज यूनिफॉर्म बट इट्स वेट विल वेरी बिकॉज द डेंसिटीज ऑफ मेडिकामेंट यूजुअली डिफर फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ बेस विथ विच द मोल्ड वॉज कैलिब्रेटेड। यानी कि अपन अगर सिर्फ और सिर्फ सपोजिस बेस अगर सपोजिस मोल्ड के अंदर डालते हैं और उन्हें वेट करते हैं तो दिखने में वो लगभग लगभग सेम होती है, यूनिफॉर्म साइज की भी दिखती है, पर थोड़ा सा वेट वेरिएशन होता है तो उसको अपन को कैलिब्रेट करना पड़ता है। और साथ ही जब अपन उसके अंदर ड्रग ऐड कर देते हैं तो उसका वेट है जो चेंज होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो ड्रग की डेंसिटी है और वो जो बेस की डेंसिटी है वो दोनों डिफरेंट होती हैं। तो अगर डेंसिटीज अगर चेंज होगी तो अगर ऑब्वियस है वो क्वांटिटी है जो उस बेस को डिस्प्लेस भी करेगी। पहले अगर पूरा बेस आ रहा था तो अब थोड़ा कम आएगा, उसकी जगह ड्रग आ गई तो वेट में अपने को वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए है जो कि जो सपोजिस मोल्ड है वो पहले जो है कैलिब्रेट कर लिया जाता है। यानी कि सारी की सारी एम्पिटी विदाउट ड्रग बेस को डाला जाता है, उनका वेट किया जाता है और उसका वेट है जो कि एक एवरेज वेट के रूप में लिया जाता है। दिस इज नोन एज कैलिब्रेशन। यानी कि एक्चुअल में वो सपोजिस मोल्ड कितना ले रहे हैं बेस को वो चेक किया जाता है, दिस इज नोन एज कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन इज ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ बेस एंड मेडिकामेंट सपोजिटरीज वेट ऑल्सो वेरी। यानी कि डेंसिटीज में वेरी होगा तो ऑब्वियस है जो कि सपोजिटरीज हैं विथ मेडिकामेंट एंड विदाउट मेडिकामेंट वो भी वेरी करेंगी। इसलिए अपन को सबसे पहले जो एम्पिटी सपोजिटरीज मोल्ड है उसको कैलिब्रेट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो सपोजिटरीज अपन ऐड करते हैं विदाउट मेडिकामेंट उसे कैलिब्रेट किया जाता है उसके वेट को। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है डी अपॉन ए माइनस सी। अब डी क्या है, ए क्या है, सी क्या है वो अपन चेक करते हैं। ए यहाँ पे चार टर्म्स आएंगी, ए ग्राम, बी, सी एंड डी। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज है, अपन किस तरीके से है जो कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखेंगे। तो ए यहाँ पे रहता है वेट ऑफ 6 सपोजिटरीज कंटेनिंग थियोब्रोमा ऑयल। यानी कि यहाँ पे जो अपन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पढ़ रहे हैं वो अपन थियोब्रोमा ऑयल के रिगार्ड में पढ़ रहे हैं। यानी कि जो बेस है वो अपन ले रहे हैं थियोब्रोमा ऑयल या फिर कोका बटर, दोनों में से कुछ भी कह दो। और जो सपोजिटरीज मोल्ड है वो 6 सपोजिटरीज मोल्ड है, यानी कि यहाँ पे 6 सपोजिटरीज आ सकती है। तो जो ए होगा वो तो हो गया विदाउट मेडिकामेंट जो थियोब्रोमा ऑयल सपोजिटरीज है उसका वेट। बी इज द वेट ऑफ 6 सपोजिटरीज कंटेनिंग 40% ऑफ ड्रग। यानी कि बी है जिसके अंदर जो सपोजिटरीज है उसके अंदर अब आपने ड्रग को ऐड कर दिया है, अब उसका आपको वेट करना है। सी की अगर अपन बात करें तो सी इज द अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल इन द सिस्टम। यानी कि जो बी ग्राम था जिसके अंदर 40% ड्रग ऐड हो गई है तो अब इसमें बचा हुआ थियोब्रोमा ऑयल क्या है उसका फॉर्मूला रहेगा 60/100 इंटू बी। बी यानी कि ऑब्वियस है जो 40% ड्रग कंटेनिंग जो निकला था वो, और 60 यहाँ पे क्यों, क्योंकि 60% अपन मानते हैं कि बेस उसमें प्रेजेंट होगा। डी इज द अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट। अब अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट अपन ने कितनी ऐड की है, 40%, तो फॉर्मूला हो जाएगा 40/100 इंटू बी। यानी कि जो ड्रग मेडिकामेंट उसमें ऐड है 6 सपोजिटरीज के अंदर। फिर है ए माइनस सी इज द अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल बाय डी ग्राम ऑफ मेडिकामेंट। यानी कि अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल बाय द डी ग्राम ऑफ मेडिकामेंट इज नोन एज ए माइनस सी। इफ वी चेक द क्वेश्चन, यानी कि अगर अपन क्वेश्चन देखकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो अपने पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ जिंक ऑक्साइड इन थियोब्रोमा ऑयल सपोज इज कंटेनिंग 40% ऑफ जिंक ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे बेस बता दिया कि थियोब्रोमा ऑयल आप ले रहे हो और उसके अंदर आपने 40% मेडिकामेंट डालनी है जो कि है जिंक ऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन नॉर्मल जो थियोब्रोमा ऑयल है उसकी 6 सपोजिस बनाएंगे और उनका वे करेंगे। तो जैसे ही अपन ने सपोजिस बनाई 6 मोल्ड वाली तो जो अनमेडिकेटेड 6 सपोजिस थी उनका वजन आया 6 ग्राम। और फिर अगेन अपन वापस जो बेस है वो प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर 40% ऑफ जिंक ऑक्साइड ऐड करेंगे, उसके बाद उनको वापस फॉर्म करेंगे, उसका वापस वे करेंगे। तो जब आपने वेट ऑफ 6 सपोजिस कंटेनिंग 40% ऑफ जिंक ऑक्साइड यानी कि सपोजिस विथ मेडिकामेंट जब आपने वे किया तो उसका वे आया 8.8 ग्राम।
अब इसके अंदर अगर अपने को ये चेक करना है कि थियोब्रोमा ऑयल इन दिस कितना था, तो फॉर्मूला क्या था, 60/100 इंटू ड्रग कंटेन, ड्रग कंटेन वेट कितना है 8.8, यानी कि थियोब्रोमा ऑयल आ गया इसके अंदर 8.8 ग्राम में 5.28, और वही अगर जिंक ऑक्साइड निकालना है तो 40/100 इंटू 8.8 तो कितना आ जाएगा 3.52, यानी कि 8.8 ग्राम में एक तरीके से 5.28 थियोब्रोमा ऑयल है और 3.52 इज जिंक ऑक्साइड। अब थियोब्रोमा ऑयल डिस्प्लेस बाय 3.52 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड कितना है, क्योंकि सवाल अपना है कि अपने को डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालनी, यानी कि जो जिंक ऑक्साइड इसने डिस्प्लेस किया है बेस को वो कितना है। तो अपने पास ये आ गया कि जो जिंक ऑक्साइड है वो 3.52 है इन 8.8, तो उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्चुअल का 6 - 5.28 ओरिजिनल का, यानी कि अगर अपन ड्रग की बात करें तो उसमें जो अपना थियोब्रोमा का था वो कितना है 5.28, बट एक्चुअल में जो विदाउट मेडिकामेंट था वो कितना था 6 ग्राम, तो अपने पास क्या आ जाएगा 6 - 5.28 यानी कि 0.72 ग्राम, यानी कि जिंक ऑक्साइड के थ्रू इतना डिस्प्लेस किया गया बेस को। अब फिर क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ जिंक ऑक्साइड, तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ जिंक ऑक्साइड क्या होगी, जिंक ऑक्साइड के द्वारा डिस्प्लेस किया सिस्टम और डिस्प्लेसमेंट नंबर, तो फॉर्मूला हो जाएगा 3.52/0.72, लगभग इसका आंसर आएगा 5, यानी कि जो जिंक ऑक्साइड है उसका जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है इन थियोब्रोमा ऑयल विद 40% कंसंट्रेशन इज अप्रोक्स 5। काफी सारे एग्जांपल्स है जिसके डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बता रखी है, यानी कि अगर आप एक फिक्स कंसंट्रेशन में ड्रग को ऐड करोगे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी फिक्स होगी। जैसे एमिनोफाइलिन की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 1.5 है, बोरिक एसिड की 1.5, कैस्टर ऑयल की 1, क्लोरोहाइड्रेट की 1.5, कोकेन की 1.5, हाइड्रोकॉर्टिसोन की 1.5, इथमोलकॉल की 1, आइडोफॉर्म की 4, मॉर्फिन की 1.5, फिनोबार्बिटोन की 1, डिसोसिनोल की 1, टैनिक एसिड की 1 एंड जिंक ऑक्साइड की 5। जिंक ऑक्साइड की 5 कैसे निकली अपन ने कैलकुलेट भी करके देखा। आपको कुछ और भी फॉर्मूले देखने को मिल सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो वो जिस मैंने आपको शो किए हैं कि अगर ये आसा आते हैं आपके एमसीक्यूज में तो ये भी सही हैं। वेयर dv यानी कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज n * d / n / b + d - w, वेयर n इज नंबर ऑफ सपोजिटरीज, b इज वेट ऑफ बेस इन ईच सपोजिटरीज, d इज वेट ऑफ ड्रग इन ईच सपोजिटरी एंड w इज टोटल वेट इन ऑल सपोजिटरीज। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज dv = d / b + d - w, वेयर n इज अगेन नंबर ऑफ सपोजिटरीज, b is total weight of base, n into b, total weight of drug is d equals to c into w upon 100 and w is total weight of all suppositories। यानी कि इस तरीके के अगर आपको MCQs में क्वेश्चन देखने को मिले फॉर्मूला कौन सा सही है, तो ये फॉर्मूले भी सही है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को निकालने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।